Hello everyone, welcome to Digital Learning Platform of Winsome International School. Today we will discuss about chapter number 1 of class 8. ठीक है, यहाँ देखिए, chapter number 1st, class 8 का है, biology का chapter है, crop production and the management. Crop production और management जो है वो इस chapter का नाम है. जैसा कि इसका title है, crop production and its management. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि crops क्या होती हैं, ठीक है ना, crops क्या होती हैं, आपको पता होगा crops क्या होती हैं, ठीक है ना, नहीं पता है तो आपको मैं बताता हूँ. देखो क्रॉप्स क्या होती है, अगर किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम एक जैसे प्लांट्स उगाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है, हमें उनसे फूड मिलता है, तो वो जो सारे प्लांट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में उग रहे हैं वो सब मिल करके हम बनाते हैं क्रॉप्स, हम बोलते हैं वो क्रॉप्स हैं. ठीक है, जैसे किसी फील्ड के अंदर गेहूं जो है यानी व्हीट जो है उसके बहुत सारे प्लांट्स उग रखे हैं तो हम बोलेंगे कि वो व्हीट की क्रॉप है. ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो होते हैं जिनसे हमें फूड जो है वो मिलता है, तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो हम अलग अलग जगह पर क्या करते हैं, उगाते हैं और उनसे क्या करते हैं, हम आगे चल करके फूड ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो वो सब क्रॉप्स होती हैं. तो क्रॉप्स उगाई कैसे जाती हैं, ठीक है ना, किसी फील्ड के अंदर इतने सारे प्लांट्स एक साथ में कैसे उगाए जाते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, और उसके बाद में जब उन प्लांट्स से हम फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे गेहूं जो है वो उसके दाने हम वहां से अलग कर लेते हैं, तो उसको स्टोर कैसे करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे. ठीक है, तो जैसा कि नाम है इसका क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप्स जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, एंड इट्स मैनेजमेंट, और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है क्रॉप्स का. करेक्ट, देखो यहां पर एक डायग्राम दिखा रखा है जिसके अंदर एक फार्मर जो है, ठीक है ना, वो क्रॉप्स के अंदर क्या कर रहा है, कुछ मेडिसिन जो है या कुछ केमिकल जो है वो छिड़क रहा है इसके अंदर, क्या किया जा रहा है कि ताकि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह है उनको खत्म किया जा सके. ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम. देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज सच एज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. हम जो है एनिमल्स जो होते हैं उनको अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. सीधी सी बात है, हमें फूड चाहिए, फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी जो होगी वही तो हमारे काम करने में काम आएगी. अगर मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो ये सब चीजों में क्या लग रही, मेरी एनर्जी लग रही, मेरे अंदर एनर्जी कहां से आई, मैं सुबह नाश्ता करके आया था इसलिए मेरे अंदर एनर्जी आई, नाश्ते में मैंने क्या किया तो पराठे खाए, दूध जो है वो लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बाहर से कुछ फूड सप्लीमेंट्स लिए जो मेरी बॉडी को एनर्जी दे रहे, करेक्ट, और वो एनर्जी जो है वो मेरे काम आ रही. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज सच एज डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. Plants can make their food themselves through the process of photosynthesis. Plants जो होते हैं वो अपना food खुद synthesize कर सकते हैं, उनकी process को हम photosynthesis बोलते हैं. Photosynthesis जो होती है वो ऐसी process होती है जिसके अंदर plants अपना खुद का food produce कर सकते हैं at the presence of sunlight. Sunlight के presence में plants जो होते हैं वो अपना food खुद बना सकते हैं, उस process को photosynthesis कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में. ठीक है, बट एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम अपना फूड जो है वो कुछ सिंथेसाइज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि हमें धूप में बिठा दिया जाए तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनने लगेगा या खाना बनने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये कैपेसिटी सिर्फ प्लांट्स की होती है. करेक्ट, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन आइदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर फूड. तो हमें अगर खाना लेना होगा तो हम या तो कोई प्लांट खाएंगे, या तो खाने के लिए प्लांट पर डिपेंड रहेंगे, या कुछ नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनका मीट खाते हैं तो एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. तो जो एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमें एनर्जी के लिए या खाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ता है या एनिमल पर डिपेंड रहना पड़ता है. करेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, आपको पता है इतने सारे लोग हैं, सबको तो फूड प्रोवाइड करवाना जरूरी है ना, सबको फूड प्रोवाइड करवाना जरूरी है. तो रेगुलरली हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्रॉप्स जो होती हैं वो उगाते रहना पड़ता है, रेगुलर उनका प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है, तो क्रॉप्स उगाई जा रही है ताकि और वो खराब ना हो तो उनको मैनेज करो सही तरीके से. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, अब जब एक बार क्रॉप्स जो है वो उगा ली गई है तो अलग अलग जगह पर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है वो फील्ड्स में तो नहीं आ सकते ना, क्रॉप फील्ड्स में तो नहीं आ सकते खाना लेने के लिए, तो शॉप्स तक पहुंचाए जाते हैं वो सारी चीजें, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी नेसेसरी है, जरूरी है. आगे चलिए देखिए एग्रीकल्चर क्या होता है, सुनिए,
एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द राइजिंग लाइफ स्टॉक्स. तो एग्रीकल्चर जो है वो एक आर्ट है, मतलब एक कला है, एक एक तरीके से देखा जाए तो. मैं बात करूं, ये इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक इंसान जो होता है, जैसे फार्मर्स वगैरह जो होते हैं, वो क्रॉप्स जो होती हैं उनको उगाते हैं. ठीक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल, यहाँ पर सॉइल जो होता है उसको कल्टीवेट किया जाता है. सॉइल को कल्टीवेट करने का ये मतलब होता है कि सॉइल जो होता है उसको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसके अंदर प्लांट्स बहुत आसानी से उग जाए. ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रॉप्स उगाई जाती है. ठीक है, एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक्स, लाइफ स्टॉक्स से मतलब होता है कि जो कैटल्स होते हैं ना, गाय बकरी भेड़, मतलब काउस हो गए, शिप्स हो गई, गॉड्स हो गई, ठीक है ना, उन सबके नंबर भी बढ़ाए जाते हैं वहां पर, वो उन सबको भी रखा जाता है. कारण क्या होता है, क्योंकि क्रॉप फील्ड्स के अंदर ये लोग जो होते हैं, ये जो कैटल्स होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई क्रॉप्स है, उनसे निकलने वाला कचरा है, मान लो कोई भी लीव्स वगैरह है, ठीक है ना, जो हमने जैसे ही प्लांट को उगाया वहां से क्या किया, हमने लीव्स थोड़ी सी अलग करी, वो वेस्ट है, प्लांट का वेस्ट है एक तरीके से, ठीक है ना. तो हमने क्या किया, उन कैटल्स को डाल दिया, वो मजे से क्या करते हैं, एज अ फूड खा लेते हैं उन लीव्स को. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, लाइफ स्टॉक्स जो होता है उनके नंबर भी बढ़ाए जाते हैं. साथ में एक फार्मर जो होता है, जब वो क्रॉप्स उगाता है तो साथ में क्या करता है, कुछ लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं, कुछ कैटल्स जो होते हैं उनको भी पालता है, ठीक है ना, उनसे भी उसको बहुत फायदा होता है. जैसे जो बफेलोज हो गई है, काउ हो गई, उनसे मिल्क ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है. और अगर ऑक्स होते हैं, यानी बैल जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, बैल जो होते हैं वो काम आते हैं, यहाँ देखो क्रॉप्स जो है, फील्ड क्रॉप्स जो है वहां पर काम आते हैं बैल जो है, ऑक्सेस, ठीक है. उसके बाद देखो क्रॉप्स क्या होती है, व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप. यानी किसी भी एक फील्ड के अंदर एक ही तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में उगाए जाते हैं, उसको हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. मतलब कि अगर किसी भी फील्ड के अंदर व्हीट के प्लांट्स उगाए जा रहे हैं तो दैट वो जो क्रॉप है उसको हम व्हीट की क्रॉप कहेंगे, कि वो गेहूं की फसल है, व्हीट की फसल है. राइस होगा तो वो राइस की क्रॉप है. मेज यानी मक्का होगा तो मेज की क्रॉप है, ठीक है. यहां देखिए, यहां कुछ क्रॉप फील्ड्स दिखा रखे हैं, देखो जहां पर एक ही तरह के सारे प्लांट्स दिख रहे हैं आपको ना, एक जैसे प्लांट्स दिख रहे सारे. यहां पर भी देखो एक जैसे प्लांट्स दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे प्लांट्स है अभी, फिर बाद में बड़े होते हैं. देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल वेरी फ्रॉम द रीजन टू अनदर. यानी कि इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया कि हर जगह पर अपना अलग अलग क्या है, वेदर है एक तरीके से देखा जाए तो. कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान जो है वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है. और वही अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ मेघालय की, मेघालय में क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनी सीजन रहता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना. ऐसे अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग मौसम रहता है, टेम्परेचर अलग है, ठीक है, ह्यूमिडिटी अलग जगह की अलग होती है, रेनफॉल अलग होता है. तो हर रीजन का क्या है, एक अपना अपनी प्रॉपर्टी है, अपना टेम्परेचर, अपनी ह्यूमिडिटी है. तो उसके अकॉर्डिंग उन जगहों पर क्या किया जाता है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो करवाई जाती है, ठीक है. अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, द थ्री ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. तीन तरह के जो क्रॉपिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं. तीन तरह की क्रॉप्स होती है, नंबर फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, द सेकंड रबी एंड द नंबर थर्ड इज जायद क्रॉप्स, ठीक है. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, सोन का मतलब होता है बोना, उनके बीज जो होते हैं वो सॉइल में डाले जाते हैं कौन से सीजन के अंदर, ठीक है ना, रेनी सीजन के अंदर डाले जाते हैं. सोन का मतलब होता है बीज बोना, ठीक है, बीज को मिट्टी के अंदर डालना. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops, ठीक है. And the rainy season in India is generally from June to September. June से लेकर के September तक का time होता है जो rainy season का time होता है, ठीक है. Paddy यानी चावल, maize यानी मक्का, soybean, groundnut यानी मूंगफली and the cottons are some kharif crops. तो यहाँ पर कुछ खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, खरीफ क्रॉप्स, ये सब होती है, ठीक है. देखो नंबर फर्स्ट राइस दे रखा है, ग्राउंडनट है, रागी है, सोयाबीन है, ये सब कैसी होती है, खरीफ ही क्रॉप्स होती है, जिनको सो किया जाता है कब, रेनी सीजन के अंदर, करेक्ट.
आपको पता है ना कि सीड्स सो करते हैं, हम सीड मिट्टी में डालते हैं, उसी से तो नया प्लांट उगता है, ठीक है ना। रबी क्रॉप्स की बात करते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी वहां पर क्या किया जाता है, वो विंटर सीजन में ग्रो करवाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च, यही सीजन होता है जो विंटर सीजन होता है इंडिया के अंदर। सो दे आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल है इसका, रबी क्रॉप्स आर व्हीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये सारे जो होते हैं, देखो व्हीट हो गया, पी यानी मटर हो गए, ग्राम यानी चना हो गया, बार्ली, बार्ली मतलब होता है बाजरा, ठीक है ना, बाजरा हो गया, ये सारे जो है वो रबी क्रॉप्स। आगे देखिए, नंबर थर्ड इज द जैड क्रॉप्स, दे प्रीमियरली ग्रो ड्यूरिंग द समर फ्रॉम मार्च टू जून ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन खरीफ एंड रबी। खरीफ और रबी की फसलें जब चल रही होती है तो उनके बीच में ही कुछ टाइम ऐसा आता है जिसके अंदर जैद क्रॉप्स जो होती हैं वो उगाई जाती है, कब, मार्च से लेकर के जून के बीच में, ठीक है। इनका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, दो से तीन महीने तक का ड्यूरेशन होता है, इस दौरान ये क्या होती है, क्रॉप्स पूरी की पूरी क्या होती है, प्रिपेयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द वाटरमेलन, बिटर गार्ड यानी करेला, मस्क मेलन एंड क्यूक्यूम्बर आर सम जैद क्रॉप्स। देख लो, क्यूक्यूम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, दे आर जैद क्रॉप्स, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, अब हम यहां से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि वास्तव में एक फार्मर जो होता है वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है ताकि उसको अपने फील्ड के अंदर क्रॉप्स को अगर सही तरीके से उगाना होगा तो वो स्टेप्स फॉलो करेगा ताकि उसकी क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे, ठीक है। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे एक प्लांट, कैसे एक फार्मर जो होता है वो अपनी क्रॉप्स को मैनेज करता है, ठीक है, और कैसे कुछ प्रोसेसेस फॉलो करके वो क्रॉप्स को उगाता है, ठीक है ना, उनकी बात करेंगे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दीज एक्टिविटीज और टास्क्स आर रेफर्ड एज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इन स्टेप्स को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, विच आर लिस्टेड टू बिलो, वो नीचे की तरफ लिस्टेड की गई है। ये सारे पैटर्न्स होते हैं जो एक फार्मर जो होता है या एक पर्सन जो होता है वो फॉलो करता है जब उसको क्रॉप्स ग्रो करवानी होती है। नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करेगा ताकि प्लांट्स उसके अंदर ग्रो करें। नंबर सेकंड, सोइंग, यानी कि वो क्या करेगा, सीड्स जो होते हैं वो जमीन के अंदर क्या करता है, बोता है, उसको सोइंग बोलते हैं। नंबर थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन मिले प्लांट्स को और प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो करें, ठीक है। उसके बाद एरिगेशन, एरिगेशन का मतलब होता है उसके बाद जब सीड्स को सो कर दिया जाता है तब पानी दिया जाता है ताकि प्लांट्स को, सीधी सी बात है, पानी तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए, करेक्ट। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सुनिए, वीड्स से प्रोटेक्ट करना क्रॉप्स को, वीड्स क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो, वीड्स कुछ अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होते, हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होते, उल्टा वो प्लांट्स जो होते हैं ना, जो क्रॉप्स के प्लांट्स जो हैं उनको नुकसान और पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ऐसे प्लांट्स जो अननेसेसरली क्रॉप्स के प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। तो हमें उन प्लांट्स को क्या करना होता है, हटाना होता है वहां से, क्यों, क्योंकि वो क्रॉप्स प्लांट्स को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, देन स्टोरेज, हार्वेस्टिंग करेंगे यानी कि जो प्लांट्स से जो हमें जो भी मटेरियल चाहिए, जैसे पल्सेस चाहिए यानी दालें चाहिए, सीरियल्स चाहिए, अनाज चाहिए, गेहूं चावल जो भी है, वो हम क्या करेंगे, उससे अलग करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि एक फार्मर जो होता है वो फॉलो करता है और क्रॉप्स जो होते हैं उनको ग्रो करवाता है। तो देखिए ये आगे दिखा रखे हैं, देखो, नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, सॉइल प्रिपेयर की जा रही है, देखो ये ट्रैक्टर है, यहां से क्या किया जा रहा है, सॉइल को प्रिपेयर किया जा रहा है, सॉइल को क्या किया जाता है, उलट पलट किया जाता है। उलट पलट करने के कारण क्या होता है, सॉइल जो होती है वो एकदम कैसे हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है ताकि प्लांट्स उसमें आसानी से ग्रो कर सके। नंबर सेकंड, सोइंग यानी सीड्स जो होते हैं वो बोए जाते हैं। थर्ड, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। नंबर फोर्थ, इरिगेशन। नंबर फाइव, वीडी यानी कि वीड्स जो होते हैं उनको हटाना। नंबर सिक्स, हार्वेस्टिंग, देन थ्रेशिंग एंड देन स्टोरेज, करेक्ट। थ्रेशिंग के अंदर क्या करते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं ना, ठीक है ना, उन प्लांट्स का क्या किया जाता है, बंडल बनाया जाता है और उनको पीटा जाता है, थोड़ा सा यूं पीटा जाता है ताकि उनसे जो भी अनाज है वो अलग हो जाए, फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? देखो, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बीइंग ग्रोइंग द क्रॉप. ये पहला प्रोसेस होती है, ये पहली प्रोसेस ऐसी है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सॉइल जो होगी उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर दैट इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. तो सॉइल को क्या किया जाता है, लूज बनाया जाता है. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल. जब सॉइल जो होगी वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी तो जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स आसानी से डीप तक जाएगी, है ना, क्योंकि सॉइल जो है वो लूज है. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इन टू द सॉइल. जब वो सॉइल जो है बहुत ज्यादा लूज होगी तो डीप तक जाएंगे क्या, रूट्स जो होंगी प्लांट की वो डीप तक जाएंगी, और डीप तक जाने के बाद भी वहां पर वो आसानी से रेस्पिरेशन करेंगी, ब्रीद करेंगी, ठीक है ना, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी रूट्स को. रूट्स जो होती है ना वो भी रेस्पिरेशन करती है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना. तो ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, सॉइल से मिलेगी, और सॉइल जब लूज होगी तब उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह जो है, ऐसी गैसेस जो है वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो वो ऑक्सीजन रूट्स आसानी से इनटेक कर सकेंगी, ठीक है. द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म्स एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. यानी कि लूज जो सॉइल होती है वो कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो होते हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको ग्रो करवाने में भी हेल्प करती है. जैसे अर्थवर्म हो गए और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको माइक्रोब्स बोल देते हैं. अर्थवर्म पता है क्या करता है, अर्थवर्म को ना हम फार्मर ऑफ फ्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रेंड जो फार्मर है उसका फ्रेंड, क्योंकि वो क्या करता है, अर्थवर्म जो होता है वो सॉइल को बहुत लूज बनाता है, ठीक है, और सॉइल लूज होगी तो क्या होगा, उसके अंदर सॉइल के अंदर गैसेस जो होंगी वो बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होगी, बेसिकली कहूं तो वहां पर रूट्स जो होती है वो बहुत आसानी से ब्रीद कर सकती हैं, करेक्ट. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे आर फर्दर टर्न इन टू द लूज इन द सॉइल एंड एड टू ह्यूमस इन टू इट, करेक्ट. उसके बाद द सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सॉइल में क्या होता है, कुछ मिनरल होता है, वाटर होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जस्ट लाइक सम माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म, ठीक है. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू गेट डीकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स. ये जो सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट मटीरियल्स होते हैं, मान लो एक प्लांट जो है वो डेड हो गया तो वो कहां जाएगा, जमीन में गिर जाएगा, जमीन पे गिरेगा वो प्लांट. उसके बाद क्या करेंगे, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्लांट को डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि धीरे 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 उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है. इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. और जब ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही होती है तब क्या होता है, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट्स से निकल करके वापस से सॉइल में चले जाते हैं. जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही होती है, जब ब्रेकडाउन चल रहा होता है उस प्लांट का, डेड प्लांट का, तो क्या होता है, कुछ मिनरल्स रिलीज होते हैं और सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं. और उन मिनरल्स को एक लिविंग प्लांट जो है, जो अभी भी लिविंग है, वो रीअब्सॉर्ब कर सकता है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड द टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और द प्लगिंग. यानी कि जो सॉइल लूजनिंग की जो प्रोसेस होती है उसको टिलिंग और प्लगिंग बोलते हैं, ठीक है. This is done by using the plow. Plow are made up from wood or iron. यानी कि जो soil होती है ना उसको loose करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ एक तरीके से tools use लिए जाते हैं, और एक tool होता है जिसका नाम होता है plow, ठीक है. Plow क्या होता है, एक wooden instrument होता है जिससे कि हम soil जो होते हैं उसको loose बनाते हैं, ठीक है. Plow is made up from wood or iron, ठीक है. If the soil is very dry, अगर soil बहुत ही ज्यादा dry है, that it may need watering before the plowing. उसके बाद क्या होगा, पहले सॉइल को थोड़ा पानी दिया जाएगा, उसके बाद उसको प्लो किया जाएगा, उसको लूज बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए. द प्लॉट फील्ड मे हैव बिग क्लंप्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. तो यानी कि जहां पर क्या किया जाता है, प्लो किया जाता है, वहां पर मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्या होता है, गुच्छे, या बड़े बड़े एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी स्ट्रक्चर कह सकता हूं मैं, ठीक है. प्लॉक का मतलब क्या होता है, क्रम्स क्या होता है, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ढेले कह दूं, एक बार के लिए ढेले तो वर्ड ज्यादा बेटर नहीं है, मैं कह दूंगी बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी के, करेक्ट. तो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, ठीक है ना. और वो जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं ना मिट्टी के, उनको तोड़ना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर द इरिगेशन, ठीक है. लेवलिंग जो होता है फील्ड्स की वो भी जरूरी होता है,
एरिगेशन के अंदर। लेवलिंग का मतलब क्या होता है, हर जगह पर जो मिट्टी है वो इक्वली रहे, ऐसे नहीं कि कहीं पर मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है कहीं पर मिट्टी बहुत कम। लेवलिंग बहुत जरूरी। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलर की हेल्प से क्या किया जाता है, उस जो सॉइल जो होती है उसको एकदम मेंटेन रखा जाता है। करेक्ट। यहां पर देखिए प्लॉ क्या होता है, इट इज बीइंग यूज्ड टू द सिंस एंड इंसेंट टाइम्स फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स। तो प्लो जो होता है वो एक ऐसा वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है या आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है सॉइल को लूज बनाने के लिए, कुछ वीड्स को बाहर निकालने के लिए, हटाने के लिए। ठीक है। इट इज एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल को उलट पलट करने के लिए। ठीक है ना, यानी नीचे वाली चीजें कई बार ऊपर आ जाए, ऊपर वाली चीजें नीचे चल जाए, उलट पलट करना, उसके लिए यूज किया जाता है प्लो। इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स ऑन द अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स ऑल्सो। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉग शेयर। तो यहां पर क्या होता है, ये देखिए ये वुडन और आयरन जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके आगे की तरफ क्या किया जाता है, जो ऑक्सेस होते हैं यानी बैल जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, या फिर हॉर्सेस या कैमल्स भी यूज में लिए जाते हैं। यहां से देखिए सॉइल को लूज बनाया जा रहा है। आगे से जो इसका पार्ट है आपको दिख रहा है, प्लॉग शेयर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो मिट्टी के अंदर ये पार्ट जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है, और मिट्टी के अंदर रहते रहते मिट्टी को क्या करता है, लूज बनाता है। ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ प्लॉग is a long log of wood which is called as a plog shaft. इसका सबसे लंबा भाग जो होता है, इसका सबसे बड़ा भाग जो होता है, इसको हम plog shaft बोलते हैं। ये देखिए, ये लंबा handle like structure होता है, that is called plog shaft. There is a handle on the one end or the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plog. उसके बाद क्या होता है? ये देखिए, ये पोर्शन होता है हैंडल या शाफ्ट। ठीक है। यहां से क्या होता है, कोई भी फार्मर जो होता है वो इसको पकड़ सकता है। ठीक है ना, ये एक हैंडल है यहां से। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होगा वो सॉइल के अंदर रहेगा, और यहां आगे की तरफ क्या किया जाता है, बुल्स जो होते हैं उनको लगा दिया जाता है। तो ये देखो, यहां लगा दिए गए, ये बुल्स चल रहे हैं, ये जो प्लॉग शेयर जो है वो सॉइल के अंदर है, और ये जो हैंडल है यहां से देखो, एक जो दो फार्मर्स है इन्होंने इसको पकड़ रखा है और वो इसको मैनेज कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये होता है प्लॉग जिसकी हेल्प से सॉइल को लूज बनाया जाता है। द इंडिजियस वुडन प्लॉग इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लॉग्स नाउडेज। पुराने टाइम के अंदर क्या किया जाता है, वुडन प्लॉग्स यूज किए जाते थे, आज हम आयरन प्लॉग्स यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन प्लॉग्स जो होता है वो जल्दी से क्या होता है, टूटते नहीं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इसलिए। इसके बाद बात करते हैं हम हो। इट इज अ सिंपल टूल दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड द फॉर लूजिंग द सॉइल। हो जो होता है इसका यूज भी किस लिए किया जाता है, लूज बनाने के लिए सॉइल को, और कुछ वीड्स को उखाड़ के फेंकने के लिए। ठीक है ना। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, यानी कि लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो, जो कि वुड की बनी होती है या आयरन की बनी होती है। करेक्ट। A strong broad and the bent plate of the iron is fixed on its ends and works like a blade. उसके बाद देखो, यहां पर नीचे की तरफ इस जगह पर देखो, आपको एक आयरन की प्लेट दिख रही होगी, वो ब्लेड की तरह काम करती है। ब्लेड की तरह मतलब, ब्लेड का काम क्या होता है कि स्विच को काट देना, है ना। तो वीड्स जो होती है ना, उन प्लांट्स को क्या करता है, ये ब्लेड जो होती है वो कट कर देती है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कट हो जाते हैं वहां से। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको भी एनिमल्स जो होते हैं उनके थ्रू पुल किया जाता है। यहां पर इस जगह पर क्या होता है, बुल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, फिर इसको आगे खिसकाया जाता है, और पीछे से ये ब्लेड जो होती है वो वीड्स को काटते हुए चलती है। करेक्ट। आगे देखिए, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, प्लॉगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर नाउडेज। आजकल क्या किया जाता है, कल्टीवेशन के अंदर क्या किया जाता है, ट्रैक्टर्स का यूज करने लगे हम। ट्रैक्टर्स के अंदर पीछे की तरफ यहां देखो, बहुत सारे टूल्स लगे होते हैं। ये कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, सॉइल जो होता है उसको उलट पलट करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इजी रहता है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रैक्टर पे एक इंसान जो है वो एक पर्सन बैठा और वो ट्रैक्टर चला रहा है, पीछे से क्या होता जा रहा है, कल्टीवेशन होता जा रहा है। ठीक है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम। तो एक इंसान जो होता है अगर वो प्लॉग से करेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ट्रैक्टर से करेगा तो उसका टाइम भी बचेगा और उसका लेबर भी बचेगा। ठीक है ना, एनर्जी भी सेव रहेगी। इसके बाद देखिए, सोइंग क्या होता है, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ planting seeds into the soil।
यानी कि सॉइल के अंदर क्या किया जाता है, सीड्स प्लांट किए जाते हैं, उसको हम सोइंग बोलते हैं। बिफोर द सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। हम हर कोई सीड्स जो होते हैं उसको सो नहीं कर सकते, अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो होते हैं हमें वही सो करने पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करेंगे तभी तो प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी ना। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स टू गिव हाइड्स, हाइड्स का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी वाले जो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, उन सीड्स का यूज करना जो होता है फार्मर्स ये प्रेफर करते हैं। देखिए हम सीड्स का सिलेक्शन कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं और कौन से सीड्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक जार लेते हैं और उसके अंदर पानी भर देते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं जो भी हमें सीड्स डालने हैं हम वो सीड्स उसके अंदर डाल के देखते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो नीचे की तरफ चले जाएंगे और कुछ ऊपर की तरफ ही फ्लोट करते रहेंगे। तो जो ऊपर की तरफ फ्लोट करने वाले सीड्स होते हैं ना उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जबकि बॉटम के अंदर बैठे वाले सीड्स जो है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। हम ऐसे सीड्स यूज कर सकते हैं। द सीड्स दैट आर यूज्ड टू कल्टीवेट न्यू क्रॉप्स हैव बीन सिलेक्टेड वेरी केयरफुली एंड हाई क्वालिटी, ठीक है। देखिए कैसे, टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, यही था हमने, एड सम सीड्स इन वाटर एंड सीड्स सिलेक्शन टेस्ट। कैसे करेंगे, देखिए, द सीड्स विच सेटल डाउन आर गुड क्वालिटी सीड्स, वेयर द सीड्स विच डज नॉट सेटल डाउन एंड द फ्लोट इन वाटर आर बैड क्वालिटी सीड्स, करेक्ट। Insects bitten damaged seeds are hollow and hence they become light and the float on water. Whereas the ones that are not damaged stay heavy are drawn in water. तो यानी कि वो seeds हल्के क्यों होते हैं? वो seeds जो होते हैं हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि वो hollow होते हैं। और वो hollow क्यों होते हैं? शायद कुछ insects जो हैं उन्होंने उस seed को खा लिया है, जिसके कारण वो seeds जो हैं वो बहुत ज़्यादा hollow हो गए हैं। Correct? तो जो seeds जो होते हैं जो damaged होते हैं जिनको insects खा लेते हैं वो seeds जो होते हैं वो hollow होते हैं। और जबकि जिन सीड्स को बिल्कुल भी नहीं खाया जाता और वो होलो नहीं होते तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं पानी में, तो अच्छी क्वालिटी के है। फॉर सोइंग सीड्स टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर सीड्स को सो करने के लिए बीज को जमीन में बोने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमें ले जाते हैं। नंबर फर्स्ट अ ट्रेडिशनल टूल जो बहुत पुराने समय में यूज में लिए जाते थे, एंड नंबर सेकेंड सीड ड्रिल मशीन। ये दो ये पुराने टाइम में यूज लिए जाते थे, आज ये मॉडर्न टाइम में सीड ड्रिल मशीन जो होती है वो यूज की जाती है। देखिए कैसे, ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग, ट्रेडिशनल टूल में क्या था, देखो एक होल स्ट्रक्चर थी, ये हो जो है वो आगे की तरफ लगा होता है और यहां पर क्या किया जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जहां से क्या होता है सीड जो होते हैं वो डालते रहते हैं, और यहां नीचे से इस जगह पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां नीचे की तरफ क्या किया जाता है सीड जो होते हैं वो सो कर दिए जाते हैं, सो होते जाते हैं, ये पर्सन जो होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और सीड्स जो होते हैं वो डालते जाते हैं। तो धीरे 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 क्या होता है सीड्स जो होते हैं वो सो हो जाते हैं। इट इज टूल इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर द सोइंग सीड्स, इट इज शेप लाइक अ फनल, एक फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। फनल कैसा होता है आपको पता है ना, फनल जो होता है वो ऊपर से ऐसा, देखो यू, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये फनल ऐसा होता है। तो यहां से क्या किया जाता है सीड डाल दिया जाता है और नीचे से क्या होता है यहां से ये वाला पोर्शन जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है, तो वहां सीड जो होते हैं वो सो होते रहते हैं। The seeds are filled into the funnel. यहाँ funnel में seeds डाल दिए जाते हैं. And the pass drawn through the two or three pipes having the sharp ends. इन pipes के sharp ends होते हैं. यानी कि ये वाला pipe जो होता है वो जमीन के अंदर है. तो देखो उसका end ऐसा होगा. Sharp end होगा एकदम. तो जो sharp end होगा ना, तो यहाँ से seeds जो होते हैं वो क्या चले जाएंगे? आसानी से soil के अंदर चले जाएंगे. और ये pipes जो होते हैं इनके number दो या तीन हो सकते हैं, ताकि एक ही बार में दो या तीन seeds जमीन में सो हो जाए, ठीक है? These ends and press to the soil and place seeds there. उसके जो ends होते हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं और उसके अंदर क्या होता है seeds जाते रहते हैं, सो होते रहते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ पर देखो लेबर भी बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर दो तीन पर्सन जो है काम में लिए जाते हैं, जो बुल्स जो होते हैं वो भी काम में लिए जाते हैं। आजकल ड्रिल मशीन आ गई जो ट्रैक्टर जो होता है ना उससे चलती है, वहां पर क्या होता है लेबर भी बचता है और जो कैटल्स होते हैं उनका भी यूज नहीं आता। देखिए कैसे, मॉडर्न टेक्निक की बात करते हैं। सीड ड्रिल मशीन, nowadays the seed drill is used for the sowing with the help of tractors. तो ये देखो सीड ड्रिल मशीन है। सीड ड्रिल मशीन में क्या किया जाता है, देखो इस जगह पर जो है वो सीड्स जो होते हैं वो फिल कर दिए जाते हैं, करेक्ट, ऐसे इस जगह पर सीड जो है वो फिल अप कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये देखो कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको, दिख रही है, यहां से धीरे धीरे क्या होता है सीड्स जो होते हैं वो नीचे जाते रहते हैं और यहां से इस पाइप के थ्रू होकर के वो सीड जो होते हैं वो नीचे की तरफ जमीन में सो होते जाते हैं। द
एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल्स आर फॉलो, इसके क्या क्या एडवांटेज है. सीड दिस सोस द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. यहां पर देखो सारे के सारे पाइप्स जो होते हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस में, तो जितने भी सीड्स सो होंगे वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस में सो होंगे. ऐसा नहीं होगा कि कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत पास पास आ गए, कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि सीड्स जो है वो कुछ सीड्स बहुत पास पास में सो हो गए थे, कुछ सीड्स दूर दूर सो गए. नहीं, यहां पर देखो इक्वली डिस्टेंस है, तो सीड्स जो सो होंगे उनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल रहेगी. इट एंश्योर्स दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. उसके बाद क्या होता है, ये एक काम और करता है, इसके अंदर ये मशीन जो होती है वो सीड सो होने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल जो होता है वो डाल देता है, ताकि किसी भी बर्ड को वो सीड दिखे ना और वो उसको खा नहीं जाए और वो जमीन के अंदर ही पड़ा रहे, क्योंकि अगर बर्ड्स उन सीड्स को खा जाएंगे तो प्लांट्स कैसे उगेंगे. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम द बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स. तो जब इसके ऊपर क्या किया जाता है, सॉइल जो होती है उसको कवर अप कर दिया जाता है, तो जो सीड्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बर्ड्स. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम्स एंड लेबर. अभी अपने देखा ही था, टाइम बचता है, लेबर भी बचता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ट्रैक्टर के पीछे लगा करके उसको ड्रिल कर दिया जाता है. आगे, इट अवॉइड्स द ओवरक्राउडिंग द प्लांट्स. ओवरक्राउडिंग द प्लांट्स जो होते हैं उसको अवॉइड करता है. इसका मतलब क्या होता है, यहां पर इक्वल डिस्टेंस के अंदर सीड्स सो किए जाते हैं तो ओवरक्राउडिंग नहीं होती, ऐसे ही एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स उग जाना नहीं, क्योंकि हमने सीड्स जो है वो एक इक्वली डिस्टेंस पर सो किए हैं, तो जो प्लांट्स उगेंगे वो भी तो इक्वली डिस्टेंस पे उगेंगे, एक साथ बहुत सारे प्लांट्स तो नहीं उगेंगे, एकदम पास पास में आ गए बहुत सारे प्लांट्स, उसको ओवरक्राउडिंग बोलते हैं. ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हमने सीड्स ही दूर दूर सो किए हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो ओवरक्राउडिंग जो होता है उससे भी बचाते हैं. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको सॉइल में एड किया जाता है. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना. मैन्योर जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है ह्यूमन बींग्स के थ्रू, ये फील्ड में ही प्रिपेयर की जाती है मैन्योर जो होती है, ठीक है ना. जो कोई भी डिकम्पोजिंग मटीरियल होता है, जो कोई वेस्ट मटीरियल है, जैसे मान लो प्लांट का कोई वेस्ट मटीरियल है उसको डिकम्पोज करवाया, ठीक है ना, तो मैन्योर बनती है. और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, और फर्टिलाइजर्स में मेनली क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो डाले जाते हैं सॉइल के अंदर, ताकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह जो होते हैं वो प्लांट्स इनटेक कर सके बाय रूट्स. करेक्ट. देखिए, एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स द सब्सटेंट्स विच आर एडेड to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. yani ki aise substances jo ki soil ke andar dale jate hain taki jo plants hain unki growth achhi ho unko hum kya bolte hain, manure aur fertilizers bolte hain, theek hai. these nutrients are essential for growth of plants, theek hai. continuously cultivation of crops make the soil poor in nutrients. yani ki hum continuity kya karte hain, अगर हम क्रॉप्स उगाते रहते हैं जस्ट वन बाय वन, एक क्रॉप उगाई उसको हटा उसको काटा और जस्ट उसके बाद ही बहुत थोड़े टाइम के बाद ही दूसरी क्रॉप भी उगा दी, तो क्या होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है. बताऊं क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स उग रहे हैं, जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स फील्ड्स के अंदर, जो प्लांट्स है उन्होंने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए. तो अब सॉइल में न्यूट्रिएंट तो है ही नहीं, अब सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है तो क्या होगा, तो सॉइल जो होगी उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी. इसीलिए हमें बाहर से वापस से क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन देना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर वापस से रिप्लेनिश कर दिए जाए. Therefore, the farmers have add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients. Correct? This process is called manuring. यानी मैन्योर को एड करने की जो प्रोसेस होती है उसको मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है. Improper or insufficient manuring results in weak plants. यानी कि अगर manure सही तरीके से नहीं दी गई है या insufficient दी गई है तो plants जो होगा उनको nutrition सही नहीं मिलेगा और plants जो होंगे वो weak रह जाएंगे. Correct? आगे देखिए, manure क्या होता है, देखिए manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. यानी मैन्योर्स जो होती है वो कैसे बनती है, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिकम्पोज करवा करके बनाई जाती है, ठीक है. यहां देखिए ये मैन्योर दिखा रखी है, ठीक है, ये डार्क कलर की होती है, जस्ट लुक लाइक अ सॉइल, ये सॉइल के जैसे दिखती है, बट ये उसका कंपोजिशन जो होता है वो एकदम अलग होता है. इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स के लिए असेंशियल होते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूं, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं ना, वो अपने फील्ड के अंदर एक
कॉर्नर देख लेते हैं, ठीक है ना। उस कॉर्नर के अंदर क्या करते हैं, एक पिट यानी एक गड्ढा बना लेते हैं। उस गड्ढे के अंदर वो वेस्ट मटेरियल डालते रहते हैं। जो उस गड्ढे के अंदर, उस पिट के अंदर जब वो वेस्ट मटेरियल डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो वेस्ट मटेरियल जो होगा वो डिकम्पोज होगा। और उसको डिकम्पोज कौन करेंगे, एनवायरमेंट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होती है, जो डिकम्पोजर्स होती हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिकम्पोज जब हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है ना, अप्रोक्स डिकम्पोज हो जाता है, तो वो कुछ ऐसा दिखने लगता है, उसको हम मैन्योर कह देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो बहुत माइक्रोस्कोप से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर, ये जो डिकम्पोज्ड मैटर जो होता है इसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में क्या कर देते हैं, प्लांट्स को एज ए न्यूट्रिएंट मटेरियल दे देते हैं। ये तो होता है मैन्योर की बात। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर सच केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके पास कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही होता है। जैसे मैन्योर जो होता है ना, मैन्योर में तो बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स हो गए, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, और उनके अंदर कोई एक स्पेशल ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो रिच अमाउंट में होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, करेक्ट। मैन्योर तो फील्ड्स में बनाई जाती हैं, और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन तीनों का मिक्सचर है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स होते हैं। The use of fertilizers has helped the farmers to get better yields of crops such as the wheat, paddy, yani chawal and maize. यानी कि fertilizers अगर हम time to time use करते रहेंगे तो जो yields हैं, यानी कि जो plants होंगे उनकी quality जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है, और उनका जो production होगा वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. लेकिन जो fertilizers होते हैं उनका भी केवल एक लिमिट तक ही यूज करना सही रहता है। अगर हमने जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज ले लिए फर्टिलाइजर्स तो वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको वीक कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, करेक्ट। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि कई सारे फर्टिलाइजर्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है, सुपर फॉस्फेट होता है, ये ऐसे होते हैं फर्टिलाइजर्स जो कि बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। ये वाटर में चले जाते हैं, फिर वाटर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को, जिसके कारण वाटर की क्वालिटी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। आगे देखते हैं, ये तो बात थी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की। अब हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। देखो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। वही ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, देखो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कैटल का, एंड द प्लांट रेजिड्यूज, यानी कि जो प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या पीछे बचा हुआ पार्ट जो होता है उनके डिकम्पोजिशन से क्या बनाई जाती है, मैन्योर बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड द मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, करेक्ट। तीसरा एंड थर्ड वन इज फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो होता है वो सॉइल को कोई ह्यूमिडिटी नहीं देता, कोई ह्यूमस नहीं देता, ठीक है ना, दैट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। एंड द लास्ट वन फोर्थ इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं फर्टिलाइजर्स में, दैट मैन्योर इज रिलेटिवली रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मैन्योर में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ठीक है ना, एज कंपैरेटिवली बात करें। ऐसे तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें भी, लेकिन फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इरिगेशन क्या होता है, बात करते हैं इरिगेशन की। आपको पता है सब प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए होता है, ठीक है ना, वाटर देंगे हम प्लांट्स को तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो करेंगे, अदरवाइज वाटर की अगर कमी होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, दैट इज अ वेरी कॉमन सेंस, करेक्ट। तो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉप्स के अंदर क्या करना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता
इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहते हैं। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट, करेक्ट। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट की रूट्स करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पौधे के अंदर रूट्स जो होती है वहां पानी देते हैं, लीव्स को पानी नहीं देते हम, ठीक है ना। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. यानी कि जब पानी absorb किया जाता है by the roots, then minerals also absorbed by roots. तो उसके बाद क्या होता है, पानी के साथ साथ क्या होते हैं, जो minerals होते हैं soil के अंदर, nitrogen हो गया, phosphorus हो गया, potassium हो गया, sulfur हो गया, ये सारी चीजें जो होती है वो भी absorb कर ली जाती हैं। Water is essential because the germination of seeds does not take place under dry conditions. Correct. मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था जब एक बार हम सीड सो कर देते हैं सॉइल के अंदर, उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, क्योंकि जब पानी दिया जाएगा तभी क्या होगा, सीड जर्मिनेट होगा और एक छोटा प्लांट बनाएगा। और अगर उसको ड्राई कंडीशन दी जाती है, मतलब सीड को अगर ड्राई कंडीशन में रख दें, तो सीड जो होगा उसके अंदर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। इस कारण से क्या होता है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए, ताकि उसे नया प्लांट मिले, ठीक है ना, उसको थोड़ा पानी देना पड़ता है ताकि सीड जर्मिनेट हो और नया प्लांट बनाए। The supply of water to crops at a regular intervals is called irrigation. यानी कि regular interval में क्या होता है, water supply देना किसको, crops को, that is called irrigation. उसके बाद the time and frequency of irrigation varies from crop to crop and soil to soil and season to season. यानी कि irrigation जो होता है वो सारी की सारी जो crops होती है उनको एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना, सारी क्रॉप्स को एक जैसा पानी नहीं चाहिए होता है, सारी सॉइल्स को एक जैसा पानी नहीं चाहिए होता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको एज कम्पेयर टू वाटर जो होता है वो थोड़ा कम चाहिए होता है, ठीक है। सीजन टू सीजन भी वेरी करता है, ठीक है ना। जब विंटर का सीजन होता है, ऐसे थोड़ी है कि विंटर के सीजन में हम ज्यादा पानी दे देंगे और समर के सीजन में देंगे ही नहीं होता ना, सीजन टू सीजन वेरी करता है। गर्मी ज्यादा होगी तो हमें पानी भी ज्यादा देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इरिगेशन, और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहां बताए गए। अब इरिगेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो पुराने टाइम में यूज में लिए जाते थे, और आज जो मेथड्स होते हैं जो नए टाइम में या मॉडर्न टाइम में यूज में लिए जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। द सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्सेस क्या क्या है, देखो, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सारे के सारे जो है वो वाटर के सोर्सेज हैं, और यहां से क्या कर सकते हैं, हम क्या सप्लाई कर सकते हैं वाटर की क्रॉप फील्ड्स के अंदर, ठीक है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, ट्रेडिशनल का मतलब जो बहुत पुराने मेथड्स है, आज वो बहुत कम जगहों पर यूज में लिए जाते हैं, आज इतने यूज में नहीं आते ही। कैटल्स, कैटल्स क्या होते हैं, जो जानवर जो पाले जाते हैं, है ना, और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। यानी कि जो पुराने मेथड्स से, ट्रेडिशनल मेथड्स से, उनके अंदर कैटल्स यूज में लिए जाते हैं, एंड ह्यूमन लेबर जो होता है, ह्यूमन लेबर जो होता है यानी कि काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, लेबरर्स जो होते हैं, वो यूज में लिए जाते हैं। दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, हालांकि ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो लेस एफिशिएंट है, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, बहुत टाइम खर्च होता है, लेबर भी बहुत ज्यादा खर्च होती है, ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, नंबर फर्स्ट मोट, जिसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं, एंड द सेकंड इज चेन पंप, थर्ड इज ढेकली, एंड द फोर्थ इज राहत, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। ये चार ऐसे मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पुराने मेथड्स हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड द सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, पानी निकालने के लिए कई बार क्या होता है, कुछ पंप वगैरह भी यूज में लेते हैं, और उन पंप के अंदर डीजल, कैरोसिन, वो सब चीजें यूज में ली जा सकती है, ताकि पानी को ऊपर खींचा जा सके वेल्स वगैरह से, ठीक है ना, वेल हो गए, ट्यूब वेल हो गए, तो यहाँ पंप लगाए जाते हैं ताकि पानी को जमीन से बाहर खींचा जा सके। हम इनकी बात करते हैं कि ये देखो कैसे होता है, मोट कैसे होता है, चेन पंप कैसे होता है, ढेकली और राहत कैसे होती है। ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, देखो ये कुछ मेथड्स है, ये मोट है, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, देखो एक पुली लगी हुई है, दैट इज अ पुली। उस पुली के थ्रू क्या किया जा रहा है, वेल से पानी खींचा जा रहा है, और उसके बाद ये पानी जो है वो क्रॉप फील्ड्स जो है उनको दिया जा रहा है, आगे सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखो पुली खींचने के लिए एक लेबर लगा हुआ है, एंड द सेकंड वन इज ढेकली। ढेकली में क्या होता है, देखो यहां पर एक बहुत बड़ा सा स्टोन जो होता है वो बांधा जाता है। उस बड़े से स्टोन को पहले क्या किया जाता है, ये ऊपर खींचा जाता है, ऊपर खींच करके छोड़ दिया जाता है, तब ये जो बकेट होती है ये अंदर चली जाती है।
फिर जब ये इसको वापस छोड़ा जाता है तो ये बकेट जो होती है वो जो पानी से भर जाती है वो वापस बाहर आ जाती है और इस बकेट को यूज में ले लिया जाता है। ठीक है, नंबर थर्ड इज चेन पंप। चेन पंप में क्या किया जाता है, यहां पर देखो चेन बनाई जाती है, यहां से क्या होता है एक लेबर जो होता है वो उस चेन को खींचता है, जब चेन को खींचता है तो यहां से क्या होता है पानी जो होता है वो बाहर आता है और क्रॉप फील्ड्स की तरफ जाता है। नंबर फोर्थ राह, इसके अंदर क्या किया जाता है, यहां पर देखो एक कैटल जो है उसको बांधा गया, कैटल को बांधा गया है तो इसको क्या किया जाता है यहां पर घुमाया जाता है, इस सर्कल 360 डिग्री एंगल में यू सर्कल फॉर्म में इसको घुमाया जाता है। जब इसको घुमाया जाता है तो यहां पर क्या होता है वाटर जो होता है वो पंप होकर के बाहर आता है और ये क्रॉप फील्ड्स की तरफ क्या करता है आगे फ्लो करता है। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसमें लेबर यूज होता है और या फिर कैटल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन आज के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनके अंदर क्या किया जाता है कुछ ऐसी टेक्निक यूज ली जाती है जिससे पानी जो है उसकी भी बचत हो और एफिशिएंटली प्लांट्स को पानी मिले। ठीक है ना, यहां पर तो क्या किया जाता है जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इनके अंदर बहुत सारा पानी वेस्ट भी चला जाता था। ठीक है, तो इतना ज्यादा पानी वेस्ट चला जाता है और पानी की वैसे ही क्या है कई जगहों पर बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्निक जो है वो यूज में ली गई है जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और वो पर्टिकुलरली प्लांट को ही क्या करती है पानी जो है वो प्रोवाइड करवाती है, अदर दूसरी सॉइल के अंदर या इधर उधर जो पानी होता है उसको फैलने नहीं देती। तो कौन से है जो नए मेथड्स हैं, देखिए द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज अ वाटर इकोनॉमिकली, यानी इकोनॉमिकली वाटर यूज जो होता है वो इंश्योर करता है मॉडर्न मेथड्स जो होते हैं। द मेन मेथड्स दैट यूज एज अ फॉलोज, नंबर फर्स्ट इज अ स्प्रिंकल सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज अ ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स है जो कि इरिगेशन के लिए यूज में ली जाती है। देखिए फर्स्ट नंबर बात करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, स्प्रिंकल का मतलब होता है बारिश बौछार। ठीक है ना, तो यहां क्या किया जाता है स्प्रिंकल किया जाता है वाटर को प्लांट्स के ऊपर कुछ ऐसे, देखो इस तरह से ये स्प्रिंकल हो रहा है, देखो वाटर है ना, यहां पर भी देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये कुछ पाइप्स लगे होते हैं और यहां से क्या होता है वाटर स्प्रिंकल हो रहा है ऐसे, और यहां ये प्लांट्स लगे हुए हैं इस जगह पर। This is a system is more useful on uneven land where the sufficient water is not available. यानी कि ये sprinkle system जो होता है वो उस जगह पर बहुत ज्यादा efficient होता है जिस जगह पर क्या होता है water जो होता है वो कम है plus insufficient water है वहां पर। ठीक है, और uneven land है, uneven land का मतलब क्या होता है जहां पर कहीं पर ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है, कहीं पर हाइट ज्यादा है कहीं पर हाइट कम है, तो उन जगहों पर क्या किया जाता है ऐसे पाइप्स लगा दिए जाते हैं ताकि सबको इक्वली वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग अ रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट अ रेगुलर इंटरवल्स। यहां पर ऊपर की तरफ क्या किया जाता है, यहां पर ऊपर की तरफ क्या लगाई दी जाती है रोटेटिंग नोजल्स लगा दी जाती है। रोटेटिंग नोजल्स का मतलब होता है वो यू रोटेट करती है नोजल्स, यू रोटेट करती है, जब ये नोजल्स रोटेट करती हैं तो सारी जगह पर क्या होता है पानी जो होता है वाटर जो होता है वो स्प्रिंकल होता है। ठीक है ना, हर हर तरह के एंगल पे क्या होता है स्प्रिंकल होता है। सॉरी, देखिए तो क्या किया जाता है रोटेटिंग नोजल्स लगाई जाती है। रोटेटिंग नोजल्स क्या करती है हर जगह क्या करती है पानी जो होती है वाटर जो होती है वो स्प्रिंकल करती है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, यहां पर देखो यू परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए गए, यू लंबे पाइप्स लगाए गए, करेक्ट। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग अ रोटेटिंग नोजल ऑन अ टॉप are joined to the main pipeline at a regular intervals. यहां पर देखो ये लगाए गए और यहां से ये main pipe जो है वो connect किया गया है। When the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. यानी कि जैसे इस पंप के थ्रू क्या किया जाता है वाटर जो होता है वो आगे मेन पाइप में सप्लाई किया जाता है, यहां से आगे चलता हुआ ये जो वाटर होता है वो सारे के सारे पाइपलाइंस में चला जाता है और वहां पर जो रोटेटिंग नोजल्स होती हैं उनके थ्रू क्या होता है वो हर एक एंगल में क्या करता है पानी जो है उसको स्प्रिंकल करता है एज अ रेनिंग, जैसे बारिश हो रही है ना वैसे करता है ये। देखो जैसे लगता है ना प्लांट्स के ऊपर बारिश की जा रही है कुछ इस तरह से, ये होता है स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है सिर्फ प्लांट्स की जो रूट्स है ना वहां तक, पर्टिकुलरली वहां तक पानी जो है वो पहुंचाया जाता है और इधर उधर कहीं पर भी पानी का वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, देखो जैसे ये प्लांट जो है यहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये पाइप जो है वो प्लांट के एकदम पास तक आया हुआ है और यहाँ देखो कुछ ड्रिप्स निकल रही है
और वो सॉइल के अंदर जा रही है, और यहां पर ठीक नीचे क्या होगी, इस प्लांट की रूट होगी, वो उस पानी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहां पर पानी को हर जगह नहीं दे करके सिर्फ प्लांट की रूट्स जो होती है ना वहां तक पर्टिकुलरली पहुंचाया जाता है। इतना सही है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है क्योंकि यहां पर पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है। देखो रूट्स, देखो ड्रिप सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम द वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, है ना, सो इट इज कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द वॉटरिंग फ्रूट प्लांट्स, यानी फ्रूट प्लांट्स को वॉटर देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। वॉटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, यहाँ पर पानी जो होता है वो उसका वेस्टेज बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देखिए पंप से ये मेन पाइप है, मेन पाइप से होते हुए यहाँ पर आगे की तरफ पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं, पाइपलाइंस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, जो कि सारे के सारे प्लांट्स तक जा रही हैं। और ये सब कहाँ जा रही है, प्लांट की रूट्स के पास में जा रही है, और वहां पर ये प्लांट की रूट के पास में जाकर के क्या करती है, ड्रिप्स के फॉर्म में क्या कर देती है, यहाँ पर वाटर जो होता है उसको सप्लाई कर देती है। ये होता है ड्रिप सिस्टम, और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा इरिगेशन। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने बेसिकली देखा जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, और कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, ड्रिप सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम क्या होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी देखे हमने इरिगेशन के। तो यहाँ पर इरिगेशन तक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके और आगे के मेथड के बारे में कि जब जो क्रॉप्स होती है वो रेडी हो जाती है तब उसको हम स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं उनकी कटाई कैसे करते हैं, ठीक है, उनको आगे मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।